press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो भारतीय मूल के पर वो चाइना में रहते हैं, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत में हो रहे चुनावों पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। बात करें इलेक्शंस की, मोदी जी के लिए कहा जा रहा था आपकी बार 400 पार, और वो फवाद चौधरी साहब आपके हमारे सबके बड़े फेवरेट, उन्होंने कहा जी अब तो 300 पे भी मान गए, और मोदी जी ने कहा जी हमने तो वैसे ही कह दिया था। किसी इंटरव्यू में मैंने सुना उनको, उन्होंने कहा कि हमने वैसे ही कहा था, हमारा तो जो एक टारगेट था वो यही था कि सबसे ज्यादा सीट्स हो ताकि गवर्नमेंट बन सके। तो आपको क्या लगता है कि 400 पार जो कहा गया था वो सिर्फ ऐसे ही स्टेटमेंट था लोगों को मिसगाइड करने के लिए, या उनका ख्याल था कि हो जाएगा 400 पार, नहीं हो पाया तो फिर स्टेटमेंट चेंज हो गया? पहली बात ये, आपको किसने बोल दिया कि 400 पार नहीं हो रहा है? तो ये दैट मीन्स आपने भी कुछ फेंकुओं को सुनना शुरू कर दिया है और उनकी भाषा बोलनी शुरू कर दी, जिसमें फवाद चौधरी सबसे ऊपर है। प्लीज आप अफवाहों के ऊपर बजाया करिए, थोड़ा दिमाग लगाया करिए। येलो डालने के बाद आपको वो डर्टी फेलो वाला काम नहीं करना चाहिए, पहली बात ये। दूसरा, मोदी जी ने कभी भी नहीं कहा कि मैं 400 पार नहीं कर रहा हूं। उन्होंने एक बड़ा क्लियर बोला है कि लास्ट टाइम मेरे पास 303 सीट थी, कुछ हमारे साथ सहयोगी और पार्टीज हैं जिनके साथ मिलकर हम 350 क्रॉस कर चुके थे, कई हमारे अलायंस का पार्ट नहीं थे फिर भी हमें बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि 400 तो हमारे पास ऑलरेडी थे। और इस बार हमेशा की तरह, हमेशा ही जब आपके मार्क्स अच्छे आते तो आपको होता है कि अगली बार और बेटर करो। तो इस बार हमने उसी को देखते हुए कि लास्ट टाइम हमारे पास ऑलरेडी 400 थे सबको मिलाकर, इस बार हम इसको पार करने वाले हैं, 400 पार। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं 400 लेके आऊंगा, 400 पार हमारे पहले पास पहले भी थे, इस बार हमने और बेटर करना है, लास्ट टाइम से बेटर, और इस बार हम उसको क्रॉस कर लेंगे, हमने पूरी मेहनत करी है। और इसमें कोई शक भी नहीं है, मोदी जी ने जितना भारत के लिए काम किया है पिछले 10 सालों में, ये तो आप भी कितने शोज कर चुकी हैं कि भारत को कहां से कहां ले गए, उसका नाम कहां से कहां चला गया, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है या हमारी जो डिप्लोमेसी है पूरे दुनिया में, भाई कई और हैं जो टाई बोल लगा के आते हैं, उन्होंने भी तारीफ करनी शुरू कर दी भारत की अमेरिका में बैठकर। आप सोच के देखिए कि अमेरिका में बैठे हुए लोग, वो भी पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं, जब भारत के लिए तारीफ करें, चाइना जैसी कंट्री में लोग बैठकर, यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं वो भारत की तारीफ करें, इसे पता लगता है कि कुछ तो ठीक हो रहा है। तो इसीलिए 400 पार मुझे लगता है कि हो जाएगा, जब सारा कुछ हम देखते हैं, बाकी 4 जून को पता लगेगा। We will do a show on 4 June. Definitely सर, हमारी तो बहुत इंतजार है, बहुत नजर है कि 4 जून को जो है वो रिजल्ट आए और पता लगे। वैसे तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सबको पता ही है जिस तरह से हो रहा है सर, टर्न आउट जो है वो थर्ड जो फेज था उधर से ज्यादा बड़ा, आपके ख्याल से पहले दो फेज जो थे वो थोड़े स्लो थे, अब जो है वो बढ़ता जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि लोग ज्यादा बाहर आ रहे हैं, और उसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल से? लोगों को मैसेज किया है या बहुत से लीडर भी हैं जिसमें डॉक्टर जयशंकर वगैरह, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स लगाई हैं वोट डालने के बाद, आपको लगता है कि उनकी बात सुन के लोग बाहर आए या कोई मौसम का चक्कर है? देखिए पहली बात यह कि हमेशा इलेक्शंस में जो बड़े लीडर्स होते हैं हमेशा ही अपनी फोटोज डालते हैं कि मैं वहां पे वोटिंग करने गया हूं, इस तरह से हर एक पार्टी ही करती है, वो बेशक गवर्नमेंट के हों या नॉन गवर्नमेंट के हों। लेकिन हाँ, गर्मी जो है जैसे जैसे 45 डिग्री पहुंच रही है, अब जो काले बोरे डालकर बाहर निकलते हैं, भाई आप समझ सकते हैं 45 डिग्री में काला बोरा डाल के बाहर कौन जाएगा, वहां पे मरना है क्या? इसलिए कई काले बोरे वाले भी नहीं आए हैं, उसके कारण भी फर्क पड़ा है। पहले काले बोरे वाले बहुत लंबी लंबी लाइनें लगा रहे थे, बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि इस बार हम मोदी जी को फेंक देंगे, लेकिन गर्मी ने भी अपना पूरा कहर दिखाया कि भैया ढके रहो। लेकिन सर इस बार क्या चैलेंजेस होंगे गवर्नमेंट के पास, इसलिए कि हर बार ये नहीं होता कि 100% गवर्नमेंट ने सारे काम कर दिए हों, कुछ ना कुछ रह गए होते हैं, ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट के साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़े 2 या 3 चैलेंजेस जो आप समझते हैं कि नई जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आएगी उसके लिए होंगे? पहली बात तो यह कि योगी जी ने बोल दिया कि पहले 6 महीने में हमने क्या करना है, वो अभी अपने शुरुआत ही उससे करी थी, तो एक तो वो काम है, जो पुराना काम पेंडिंग पड़ा है वो पूरा करना है। दूसरा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पहले से लेकर चल रहे हैं हम लोग, जो डेवलपमेंट का काम है, भारत ने ऑलरेडी बोल दिया कि अब हम पूरी स्पीड पर और तरक्की करने पे लग जाएंगे, और ये 5 साल
जो पहले पिछले 10 साल थे उसमें फाउंडेशंस क्रिएट करी गई हैं, इस बार आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बिल्डिंग्स बननी शुरू हो जाएंगी उस सारी तरक्की के ऊपर। सबसे बड़ा काम जो आज की डेट में है वो ये है कि दुनिया चाइना से डीकपलिंग कर रही है, दूर निकल रही है, हम उस सारी इन्वेस्टमेंट्स को अपने पास लेकर आ रहे हैं, वो आनी भी शुरू हो गई है और तेजी से उसके ऊपर काम शुरू किया जाएगा। जो हमारी डिपेंडेंसी आज भी रॉ मटेरियल्स के ऊपर, चाइना के ऊपर है, उसको डाइवर्ट किया जाएगा। तो दैट मीन्स एक तो आपको मैंने बता दिया मेजर काम 6 महीने में योगी जी वाला वो पूरा हो जाएगा, दूसरा चाइना से डीकपलिंग भी काम शुरू हो रहा है और अगले 6 महीने से लेकर 1 साल में आप देखेंगे कि हमारा ट्रेड बेशक बढ़ता रहे लेकिन हमारा जो डीकपलिंग वाला काम है चाइना से वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और दुनिया की कंपनीज हमारे पास आनी शुरू होगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको मालूम है कि यहाँ पे मैं इंडस्ट्री के अंदर रहता हूँ, आई मूव अराउंड, लोगों ने चाइना से निकलकर वियतनाम में फैक्ट्रीज लगाई थी लेकिन यहाँ पर वो इतना खुश नहीं है वियतनाम से क्योंकि वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो चीजें नहीं है जो चाइना को चाहिए। भारत दे सकता है और भारत के पास इनको आना ही पड़ेगा, चाइना को भी और दुनिया को भी। अब दुनिया के पास भी कोई और चॉइस नहीं है और मोदी जी जैसे ही अगर 400 पार करके आ जाते हैं, मैं बार बार अपने शोज में बात करता हूं, अगर मोदी जी 4 जून की दोपहर तक 400 पार कर गए, रात को दिल्ली में लैंड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दुनिया का कोई ऐसा सीईओ या प्रेसिडेंट नहीं होगा जो बोलेगा जहां बना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। लेकिन सर एक चीज और है, कुछ मेरी हिंदुस्तान के लोगों से बात हुई तो उन्होंने, उनका ये भी कहना है कि बीजेपी तो चले नंबर 1 पे जा रही है, उसको छोड़ के जो बाकी 2 पार्टीज हैं जो कि जिन्हें के ये कोशिश करनी चाहिए कि वो नंबर 1 पर आए, नंबर 1 की कोशिश करें, मतलब जो नंबर 2 और 3 है वो आपस में जो है वो ये लगे हुए कि मैं नंबर 2 पे टिका रहा हूँ और मैं नंबर 2 पे आ जाऊं, ये वाली स्ट्रेटेजी चल रही है। तो वो कह रहे हैं उनको टच ही नहीं किया जा रहा नंबर 1 को, ऐसा है क्या बात? देखिए अर्जुन जी, कई लोगों को आदत होती है नंबर 1 बनने की, जैसे पाकिस्तान हमेशा ही हर चीज में नंबर 1 नीचे से, तो हमारे यहाँ पर भी 4-5 पार्टियां हैं उनमें यही हो रहा है कि हमने नंबर 1 बनना है नीचे से। मुझे लगता है डीएनए सेम ही होगा, मैं उस डीएनए के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता हूँ क्योंकि हमें मालूम है कि इन सबका डीएनए वही है जो आपके कंट्री में चलता है। तो अब इन लोगों का क्या किया जाए, हम भी खुश हैं कि वो नंबर 1 बनना चाहते हैं या नंबर 2 नीचे से बने रहें, हमारे लिए भी खुशी का मौका। सर आप नहीं समझे सर, वो मतलब जो नंबर 2 है वो कोशिश करे कि मैं नंबर 2 पे, मुझे मालूम है वो 1 पे जाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जो 3 पर है वो 2 पे आने की कोशिश कर रहे, 1 को कोई टच नहीं कर रहा, मैं ये कह रही हूं। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर कि जो नंबर 1 ऊपर बैठा है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे बैठे है वो नीचे रहेगा और हमारी खुशनसीबी है कि वो अपने आप में फाइट कर रहे हैं कि मैं 2, 3, 4, 5 पे ही रहूं, इससे ऊपर या उससे नीचे ना जाऊं, नीचे ना जाऊं ऊपर आने की तो हैसियत नहीं, नीचे ना जाऊं उससे ऊपर आने की तो हैसियत ही नहीं है। भाई एक चीज बताइए, क्या जो सामने आदमी बैठा है उसे नहीं पता कि भारत में या किसी कंट्री के अंदर कितनी सपोर्ट है उनको? अभी आपके यहाँ पर पप्पू के लिए सपोर्ट हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ पर इमरान खान के लिए पूरी सपोर्ट है, हमने तो पैसे भी भेजे उसको और ताकि वो इलेक्शन जीते और हमारे लिए काम करे, आपको मालूम है, और उसे उस चीज के लिए डंडे भी पड़े हैं। अभी तो रिसेंटली फोटो भी आई थी उसकी, बेचारे के बाल सफेद थे, जूरिया निकली हुई थी, पहचान भी नहीं आ रहे थे, ऐसे लग रहा था दादाजी है इमरान खान के। वही तो जो आपका क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, वो जो आपने मेरे ही शो में बैठ के शायद ये कहा था और वो टीवी पर इतना चला था हमारे कि आपने इमरान खान को पैसे भेजे, बेचारा पैसे भी नहीं मिले और 76 अलग पड़े, मतलब आपने किसने बोला, किसने बोला कि हमने नहीं भेजे? मैं आज भी डिक्लेयर कर रहा हूँ इमरान खान को भारतीयों ने जितना ज्यादा सपोर्ट किया है पैसे दे देकर कि तुमने हमारा काम करना है, वहां पर जो जो तुमने काम करने थे उसने किए भी हैं और हम उसका हमेशा शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमारे काम कुछ वहां बैठकर किए हैं, ठीक है उसके लिए उसको थोड़े से डंडे पड़े हैं अंदर बैठ के, लेकिन देखिए जब पैसे खाते तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। और जो आप बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो लोग 2 नंबर 3 नंबर पे हैं, ये जो 2 नंबर ही होते हैं ये हमेशा ऐसे ही होते हैं, ये कभी भी 1 नंबर ही नहीं बन सकते और इनका तो डीएनए भी ऐसा ही है। डीएनए में क्यों बोल रहा हूँ भाई, इन हमारे यहाँ पे होता है वर्ड पीएम, पता नहीं आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है कि नहीं होता है, हमारे यहाँ पे पीएम होता है जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन इन पार्टीज में जो 2 नंबर 3 नंबर पे जो लोग हैं इनका पीएम का फुल फॉर्म है, जो इनका जो पीएम कैंडिडेट है उसका मतलब है परमानेंटली मेंटल, तो ये इसलिए कभी भी नंबर 1 पे नहीं आ सकते, ये पीएम वही रहेंगे, परमानेंटली मेंटल है, ये उसी कैटेगरी में रहेंगे। थोड़े दिन में आगरा भेजने वाले हम लोग, अभी वैसे सुना है मैंने कि आगरा में कैंपेनिंग करने गए थे, बहुत ज्यादा लोग वहां पर मिलने भी आए थे, आप समझ सकती हैं कि ऐसे पीएम जो परमानेंटली मेंटल हो उन्हें मिलने के लिए कैसे लोग जा सकते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल हमारी जो है वो 4 जून पे मुसलसल नजर है, और मैं और आप लाइव शो करेंगे और फिर देखते हैं कि यस क्या होता है। बल्कि हमारे एक और एक एक छोटे मोटे जर्नलिस्ट और हैं जिन्हें हम जानते हैं, रोहित नहीं नहीं शर्मा, नहीं 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 उनको भी बुला देखिए, लो। आप अगर रोहित शर्मा को आप छोटे मोटे जर्नलिस्ट बोलते हैं तो एक और है उससे भी छोटा, फकर यूसुफ जाई, उसको जरूर लेके हाँ आना आपको, ताकि बिल्कुल ऐसा ही है, ये छोटे छोटे लोगों को हमारे पीछे देखो पीछे हाँ घूमते हैं ना, हमें शो में बिठा लो। हाँ इनको इनको बुला ले। इनको बुलाना क्या पता क्या, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी देनी चाहिए छोटे मोटे लोगों को, नहीं तो उनको ये ना लगे कि हम बहुत छोटे हैं, हमें कोई बुलाता नहीं, बड़े लोग बुलाते नहीं है, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए किसी के अंदर भी। नहीं तो वो छोटे जरूर है, लेकिन ये हमारा बड़प्पन है कि हम छोटे लोगों को बुलाते हैं। हम ही बहुत महान लोग हैं हम लोग। आपने देखा ये रोहित शर्मा जब आता है तो हम सर झुका के सिर्फ कमेंट्स पढ़ता रहता है, ना हमारी तरफ दिखता भी नहीं है। उसको कहते हैं भाई सो गए क्या, तो उनको लेकिन कमेंट्स पढ़ने की तरह शौक है, तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है तो इसलिए वो पढ़ते हैं। लेकिन खैर बहुत जल्द हम फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों के बीच में ये सवाल रहा कि इस बार मोदी सरकार कितनी सीटें पार कर पाएगी, क्या 400 पार होगा या नहीं, और दूसरे इन्होंने बात की इंडिया की तरक्की के बारे में कि अगर मोदी सरकार आती है तो कैसे बाहर की कंपनीज धड़ाधड़ हमारे देश में आएंगी और जबरदस्त इन्वेस्टमेंट होगी। और आपने देखा दोनों ने बात की ऑपोजिशन के बारे में, और कैसे सुमित जैन साहब ने बातों ही बातों में ऑपोजिशन यानी विपक्ष की टांग भी खींची, और ये भी कहा कि हाँ ऑपोजिशन नंबर वन तो आ सकती है पर नीचे से। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, और आपको क्या लगता है इस बार मोदी सरकार कितनी सीट्स ले पाएगी, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत।